तो स्वराज इंडिया पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 23 जुलाई को जहां अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी, वहीं पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में स्वराज इंडिया पार्टी आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। स्वराज इंडिया पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए परख समिति का गठन किया है। स्वराज इंडिया पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी और पार्टी क्यों कह रही है कि किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, इस बारे में स्वराज इंडिया पार्टी हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गोदरा से खास बातचीत किया हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने। 23 जुलाई को हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसमें मेरे साथ हैं स्वराज इंडिया हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गोदरा, इनसे जानते हैं। जी ठीक कहा आपने कि स्वराज इंडिया ने जैसे कि 27 जून को घोषणा की थी कि हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे और सिटी हमें चुनाव चिन्ह मिल गया है, उसके बाद हमने आवेदन मांगने शुरू कर दिए, आवेदन आने लगे हैं। आवेदन जो आ गए हैं उनकी हमारी परख समिति उसकी जांच कर रही है और उस परख समिति की जांच के बाद उसके रिकमेंडेशन प्रेसिडियम के पास जाएगी और प्रेसिडियम इस पर अपने अंतिम मोहर लगा देगा और 23 जुलाई को हम पहले लिस्ट जारी कर देंगे। दो बातें मैं आपसे और कहना चाहता हूँ। एक, प्रेसिडियम ने हरियाणा चुनाव के लिए स्वराज इंडिया के तरफ से मिशन हरियाणा टीम का गठन किया है। मिशन हरियाणा चुनाव संबंधी सारे फैसले, कैंपेन, विचार, किस तरह के मुद्दों को लेकर जाना है, इस सब के बारे में अंतिम फैसला करेगी। और इस मिशन हरियाणा टीम के कन्वीनर योगेंद्र यादव जी होंगे जो स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस मिशन हरियाणा के को कन्वीनर सह संयोजक डॉक्टर आशावंत गुप्ता होंगे जो हरियाणा में एक माने जाने ईमानदार, स्वच्छता और उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नाम है, उनके साथ हम इस कंपेन को चलाएंगे। दूसरा, प्रेसिडियम ने एक परख समिति का भी निर्णय लिया है। परख समिति में हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत झा होंगे कन्वीनर उस परख समिति के, उसमें दो मेंबर, एक में राजीव गोदरा और एक दीपक लांबा जो महासचिव हैं हरियाणा के, वो मेंबर होंगे। ये परख समिति जो एप्लीकेशन आएंगी या आ रही हैं उनकी जाँच कर रही है और उसके रिकमेंडेशन करेगी, तो ये चयन करेगी, उनका परख करेगी और चयन करेगी। इनकी घोषणा हो गई है। गोदरा जी, मुद्दे क्या होंगे, आप विधानसभा चुनाव की पहली लिस्ट तो 23 जुलाई को जारी कर दोगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे? दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो हमने पिछले दिनों में करके दिखाया। एक, डेरा सच्चा सौदा के मामले में उस बाबा गुरमीत सिंह राम रहीम हत्यारे बलात्कारी को जब पैरोल देने की बात आई, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विपक्ष के नेता कह रहे थे उसका अधिकार है, जो कि नहीं था। स्वराज इंडिया एकमात्र राजनीतिक पार्टी थी जिसने जोरदार आवाज उठाई कि ऐसे व्यक्ति को पैरोल नहीं दी जा सकती। दूसरा, पानी की इशू पे हरियाणा की सब पार्टियां लड़ाई 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 की बात करती, कहती हरियाणा को पानी चाहिए, काम ऐसा करती हैं कि 20 साल तक वो मामला लटकता रहे जैसे सालों से लटक रहा है, 4 दशक से, और आने वाले 10 दशक और लटकता रहे। स्वराज इंडिया एकमात्र पार्टी थी जिसने कहा कि बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके वो निर्णय लेना चाहिए जिससे हरियाणा की जनता को पानी मिल सके। देश और संविधान और समाज अदालती फैसलों मात्र से नहीं बनता, आपसी बातचीत से बनता है, ये बात हमने कही। इस बात के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि हमने लगातार किसान के मुद्दे को उठाया है, हमने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया है, हमने दलित महिला की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है, हरियाणा में जो जात पात की राजनीति हुई उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है, और इन सब मुद्दों को लेकर, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर हरियाणा के बीच में हम जाएंगे। गोदरा जी, एक आपने लोकपाल का कहा है कि आपका मुख्य मुद्दा होगा और आपके आम आदमी पार्टी के साथ भी संबंध रहे हैं, उन्होंने भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने और लोकपाल का मुद्दा उठाया था, तो आपके और आम आदमी पार्टी के मुद्दे जो है कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, क्या आम आदमी पार्टी से आपका गठबंधन हो सकता है क्या आने वाले समय में? आम आदमी पार्टी सत्ता के लालच में अंधी हुई है जिस तरह से, उसी के चलते और उसके अवसरवाद के चलते ही तो हम आम आदमी पार्टी से अलग हुए थे। आज उस गर्त में आम आदमी पार्टी और गहरी की चली गई है। इस पार्टी से समझौते की हमारी कोई स्थिति बनती नहीं है, बननी नहीं चाहिए। हम किसी ऐसी पार्टी से कोई समझौता नहीं करेंगे जो मात्र सत्ता के लिए, समाज को लड़ाने के लिए, झूठ बोलने के लिए अवसरवाद की राजनीति करती है, ऐसे किसी पार्टी से नहीं होगा। एक दूसरा, हमने जो लोकपाल की बात कही, हमने कहा है कि हम परख समिति हमारी इसके रिकमेंड करेगी, प्रेसिडियम चुनाव उम्मीदवार फाइनल करेगा,
परंतु उम्मीदवारों के नाम फाइनल होने के बाद, घोषणा होने के बाद भी अगर किसी उम्मीदवार के बारे में शिकायत आती है कि उसका चरित्र खराब है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उस पर क्रिमिनल होने के आरोप हैं, उसके कॉम्युनल और जातिवादी होने के आरोप हैं, उसके महिलाओं के प्रति नफरत के आरोप हैं, उस पर हिंसक होने के या हिंसा भड़काने के आरोप हैं, तो उसको हम उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। और इस तरह के आरोप आने के बाद, शिकायत आने के बाद लोकपाल उनकी जांच करेगा और शिकायत सही पाई गई तो लोकपाल उनकी उम्मीदवारी रद्द कर देगा, ये उसका अधिकार होगा, ये हम करने जा रहे हैं। ये थे मेरे साथ स्वराज इंडिया हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गुदारा। इन्होंने कहा है कि 23 जुलाई को स्वराज इंडिया पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज़ चंडीगढ़।